स्वागत है दोस्तों। तो रायगढ़ से एक बड़ी खबर सामने आई है। शादी का झांसा देकर किया रेप, बदनाम करने की भी दी धमकी। बड़े बुजुर्गों ने भी समझाया, फिर भी नहीं माना, अब गिरफ्तार। रायगढ़ जिले में पुलिस ने रेप के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने युवती के साथ शादी का झांसा देकर रेप किया था, बाद में उसे बदनाम करने की धमकी भी दी थी। गाँव के बड़े बुजुर्गों ने भी उसे समझाया था, इसके बावजूद वो नहीं माना और उसने युवती से साफ कह दिया कि वो उससे अब शादी नहीं कर सकता, जिसके बाद युवती ने आरोपी के खिलाफ शिकायत की थी। अब चक्रधर नगर पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल चक्रधर नगर क्षेत्र में रहने वाली युवती की मुलाकात 2019 में घरघोड़ा के राजेंद्र चौहान 22 वर्ष के साथ हुई थी। युवती ने बताया कि उसकी राजेंद्र से पहचान थी, इसलिए राजेंद्र उसके घर आना जाना करता था। 2 साल पहले भी जब राजेंद्र घर आया था, तब उसने युवती से कहा था कि मैं तुमसे शादी करूंगा और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया था। इसके बाद वो जब रायगढ़ आता था, तब वो युवती से मुलाकात करता था। इसी बीच उसने करीब 15 दिन पहले शादी करने से इनकार कर दिया। शादी से इनकार करने के बाद युवती ने उसे समझाया, फिर भी वह नहीं माना। वहीं गांव के बड़े बुजुर्गों को भी इस बात की जानकारी जब हुई, तब उन्होंने भी राजेंद्र को समझाया, तब भी वो शादी करने से इनकार करता रहा। इतना ही नहीं, राजेंद्र ने युवती से यह तक कह दिया कि मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगा। इसी बात से दुखी होकर युवती ने शुक्रवार को आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया था।